तकरीबन अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से एक वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। इस वीडियो का टाइटल से है ईश्वर है तो साबित करो, चैलेंज किया है अरुण कुमार गुप्ता ने। आज इसी का वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्टिंग और मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखते हैं अरुण कुमार गुप्ता ने क्या बताया, क्या कहा है। आज उसी का वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं, और चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्टिंग और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नाथ अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। गंभीर विषय पर लगातार चर्चा जारी है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं, समाज को अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकालना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समाज को लोगों को ये बताते हैं कि भगवान देवी देवता ये सब नहीं होते हैं, ये हम सभी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अंधकार में रखने के लिए ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो धार्मिक सेंटीमेंट के होते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनका कहना होता है कि आप क्यों नहीं मानते। तो हमारे समाज के लोग ये एग्जांपल देते हैं कि देखो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, हमको आज तक दिखाई नहीं दिए, अगर होते तो दिखाई देते, अगर सुपर पावर होता, उनमें शक्ति होती तो वो प्रकट होते देखते, ये तमाम जानकारी उनको देते हैं। तो उनका कहना होता है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हम भगवान को ईश्वर को नहीं देखें इसलिए नहीं मानते, तो आप बताइए कि आपके भी परबाबा को आपने नहीं देखा है, उनके भी पिताजी को आपने नहीं देखा, उनके दादाजी को आपने नहीं देखा है, तो उनको भी आप मानने से इनकार कर देंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे वैसे लोगों को जो इस तरीके का प्रश्न करते हैं। सृष्टि बनी तो इस पूरा पृथ्वी ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी धधकता हुआ लाखों वर्ष तक आग का गोला था। बहुत दिनों के बाद, लाखों वर्ष के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलन हुआ, पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया। सबसे पहले पामीर का पठार उघार हुआ, वहीं प्लोटोप्लाज्मा अमीबा का फॉर्मेशन हुआ, वहीं सेल का निर्माण हुआ। सेल बन जाने के बाद धीरे धीरे लाखों वर्ष में क्रोनोलॉजिकल के परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे चेंजिंग आया, तो सरीसृप होकर वगैरह वगैरह जलचर उभचर होके, जैसे जल में भी रहने वाला, पानी में भी रहने वाला, इसको जलचर कहते हैं, जैसे मेढक, इस तरह के जीवों का प्रादुर्भाव उत्पत्ति होते 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 डार्विन को पढ़े होंगे, और छोड़िए, लेकिन अमीबा के बाद जब सेल का निर्माण हुआ, कैसे हम बहु सेलिए हो गए, हम अरबों खरबों सेल के, इस सेल के निर्माण में ईश्वर का योगदान कहाँ है। जब हम पैथोलॉजिकली टेस्ट करते हैं, पैथोलॉजिकली रूप से हम, मतलब कि जीव पर प्रकाश डालते हैं, जीव को देखते हैं, तो ये सारा करामात सेल का है। और ये सेल बनी, और सब सेलों का एक कोलिशन है, एक जैसे कि गवर्नमेंट में कोई गवर्नमेंट कौन है, सभी लोगों का एक संयुक्त मोर्चा है। आप बिजली मंत्री, वो एजुकेशन मंत्री, वो इंडस्ट्रियल मंत्री, वो फलाना मंत्री, सब मिल करके कैबिनेट बना, कैबिनेट का संचालन एक मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर किया। इसी तरह से हर चीज़ का निर्माण होता है, हर चीज़ में हम पूछते हैं कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता है, अगर कोई मानते हैं, हम अपने पूर्वज को आज तक नहीं देखे, दादा को कभी बहुत लोग देख लेते हैं, परदादा छेरदादा को कोई देखता नहीं है, तो जब नहीं देखे तो हम उसमें कॉन्फिडेंस करेंगे, चूँकि हमारे परदादा थे तब ना हम हुए। अगर ईश्वर है तो इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं, इस वस्तु के निर्माण में ईश्वर का कहीं कोई भूमिका है तो बता दें, हम ईश्वर की शक्ति को, सुपरमेसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। हम एक बात आपसे पूछते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, एक दलित की पिटाई किया कुछ सवर्ण लोग, जांघ तोड़ दिया, बांह तोड़ दिया, और दो बरस होने जा रहा है, आज तक FIR जिसके ऊपर हुआ, दलित लोग किए, उसके अरेस्टिंग नहीं हुई। तो वही जब FIR उसका हम मैं पढ़ा, तब वो कह लिखाए हुए है FIR में कि हम भैंसी खरीदने जा रहे थे, इतना हज़ार रुपया भैंसी खरीदने गए, और फिर जब छीना रुपया
हल्ला करने के बाद पिटाई हम दोनों आदमी का कर दिया, हनुमानियों छीन लिया। हनुमानी का मतलब हनुमान का गर्दन में तवीज था जो 3000 में हम 2 वर्ष पहले खरीद करके पहने थे। तो हम कह रहे ये हम केस ना देखेंगे। अरे हनुमान जब तुम्हारा रक्षा नहीं किया, हनुमानी को तुम लटकाया क्यों गर्दन में? यही सुरक्षा के लिए ना, हनुमानी को तुम देह पर लटका लिया और खुद लुटा गया, हनुमानी खुद लुटा गया और तुम्हारा रक्षा नहीं कर सका, तो फिर तुम उसको गर्दन में डाल के FIR कराते होते। हनुमान को कहो SP के यहाँ जा कर के FIR करके हमको वो दलित के गर्दन में से हम चले आए हैं, सवर्ण के गर्दन में जब हमको लूट के ले आया है, हमको इस बंधक से बंधक पड़े हुए हैं दूसरे के गला में, हमको SP साहब छोड़ाइए। कहे हनुमान अगर नहीं ऐसे करता इस केस को मैं डील नहीं करूँगा, इस केस में जाओ तुम अपना जहाँ जाना। हनुमानी देवी देवता लेके ढो रहे हैं, आज तक बतावे कोई 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 देवी देवता किसी का कल्याण किया, किसी का तबीयत ठीक कर दिया, किसी बीमारी में सहयोग किसी को किया? आज तक इन देवी देवता का कोई भूमिका है किसी के बेहतरी में? जो जिसको हम लोग नहीं मानते हैं, तो हम लोग न मानते हैं तो देवी देवता हमारा क्या बिगाड़ दिया? तुम मानते हो तो तुमको क्या बना दिया? सोमनाथ के मंदिर में 1026 में गजनी 30,000 फौज लेके सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबार के ले गया, तो सोना चांदी के देवी दुर्गा गजनी का एक बाल नहीं टेढ़ कर सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान इन लोगों को क्या बना? फिर उसको क्यों तुम पूछते हो? हम नहीं देखते हैं अपने माता पिता को, दादा छेर दादा को नहीं देखते हैं, परदादा को नहीं देखे हैं, लेकिन उसी का हम अस्तित्व में चला रहे हैं, उसी का हम उत्तराधिकारी बन के अब चला रहे हैं। अब पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग अपने पूर्वजों के धरोहर हैं, अपने पूर्वजों का वो जीन को जिंदा करके रखे हैं, खून को जिंदा करके। तो ईश्वर को हम नहीं देखें, ईश्वर को जो देखते हैं उनसे पूछा जाए कि ईश्वर कैसे है आप प्रमाणित करें। हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि ईश्वर होता नहीं है, हम ऑलरेडी कहते हैं कि ईश्वर मानवकृत है। जब भाषा नहीं बनी थी तो भगवान भी नहीं था, मानव भाषा बना लिया तो बाद में मानव भगवान भूत प्रेत की रचना की। भाषा दुनिया की सारी भाषाओं को हटा लिया जाए, छीन लिया जाए और कहा जाए कि तुम अपने भगवान का नाम लो, तो आदमी तो पशु हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा, एक शब्द बोल नहीं सकता है। भाषा मानव बनाया तो बाद में मानव भगवान भूत प्रेत की जात पात की रचना की। इसलिए मैं वैसे आदमी से ज़्यादा विशेष बहस करना कि आप अपने दादा को नहीं देखे हुए हैं तो कैसे भगवान को कोई नहीं देखा तो भी हम मानते चले। वो लोग कहते हैं कि सबसे सबको भगवान नहीं देखते, उसके लिए तपस्या करना पड़ता है। तपस्या बुद्ध से ज़्यादा कौन तपस्या किया? जा कर के देखो कार्ल मार्क्स से, आइंस्टीन से, इससे ज़्यादा ब्रेनिस्ट कोई नहीं ना हुआ आज तक धरती पर। जाके पूछो बुद्ध 12 वर्ष तक जंगल में एकदम सोचते रह गए, चिंतन करते रह गए कि क्या सही है क्या गलत है, ईश्वर के ऊपर सोचे, कहीं ईश्वर का कोई समावेश? उसने अंत में कह दिया कि सारी सृष्टि पदार्थ से निर्मित है। ऐसी स्थिति पर ज़्यादा प्रकाश न डालिए, चूंकि ईश्वर अस्तित्व विहीन है, ईश्वर काल्पनिक चीज़ है, ईश्वर कल्पना पर आधारित भी हमको जानना चाहिए तब मानना चाहिए। अर्जक संघ का मूल दर्शन जी। तो साथियों, माननीय अरुण गुप्ता जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से विस्तार से हम सभी को बताया कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ इस पृथ्वी पर नहीं है। और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो जानकारी हमने माननीय अरुण गुप्ता जी से मांगी थी और आपको ये समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय जय। तो ये था अरुण कुमार गुप्ता का, जिन्होंने बताया कि मतलब ईश्वर नहीं होता, आज उसी का वीडियो रिएक्शन कर रहे थे। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।